मुरादाबाद के बाद गुलशन रजा पब्लिक स्कूल के सामने से गुजरते हुए और मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादाबाद था। अजीज हमवतनों, अंग्रेजों ने तजारत की गरज से हमारे मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर तिरंगा दे थे, लेकिन रफ्ता रफ्ता तजारत के नाम पर सियासी और फौजी असर रसूख हासिल करके यहाँ के हुक्मरानों को बेदस्त पा कर दिया और यहाँ के सियाह व सफेद का मालिक बनकर पूरे हिंदुस्तान में राज किया। हमारे लोगों की इज्जत व कदर नहीं की, हर जगह पर हिंदुस्तानियों की बेइज्जती, जलील और हुकूक पामाल की। हमारे लोग अंग्रेजों से सख्त बेजार और नफरत करने लगे। हमारे अजीम लीडर बाबाए कौम महात्मा गांधी के जेर साया और उनके जेर सरपरस्ती में हमारे नाम और तन मन जान से खिदमत करेंगे और मुल्क तरक्की की तरफ ले जाएंगे। वस्सलाम, जय हिंद। कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं परेड कमांडर गुलाम अली सागर साहब। हमारे सामने से गुजरते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज से सलामी देते हुए, तो ये ग्रुप लीडर आसिफ से तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है इन्होंने सलामी पेश की है, तालियां बजाकर उनकी भी स्वागत कीजिए। हाई स्कूल मुरादाबाद के ग्रुप लीडर मोहम्मद शाहिद बहुत खूबसूरत अंदाज से सलामी देते हुए मंच के सामने से गुजर रहे सलामी देते हुए, तो इसके बाद मॉडल पब्लिक स्कूल मुरादाबाद के ग्रुप लीडर मोहम्मद उमर बहुत खूबसूरत अंदाज से सलामी लेते हुए कदम से कदम मिलाते हुए कंधा से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इसके बाद हायर सेकेंडरी स्कूल द्रास, मॉडल पब्लिक स्कूल द्रास, गुलशन रजा पब्लिक स्कूल और हाई स्कूल मुरादाबाद के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया फैकल्टीज का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसे मौक़ों पे आज हिंदुस्तान का जो अजीम दिन था, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे द्रास के लोग, जो बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर, जवान लोग, बच्चे, तमाम लोग यहाँ पर सुबह सवेरे से यहाँ पे आके इस ग्राउंड पे बैठे हुए थे। आज़ादी का आज 74वां दिन जो आज मनाने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो अभी इस आज़ादी का दिन को मनाकर लोगों ने अपने घरों की तरफ रुख किया है। तो मैं इन तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, हिंदुस्तान की पूरी कौम को आज़ादी के दिन का मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट किए उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसमें आज हमें काफ़ी खुशी का दिन है, ये 26 जनवरी, तो इस टटरती सर्दी में लोगों ने यहाँ पर आके पार्टिसिपेट